हेलो दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा भी टैबलेट एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र में हम आए हुए हैं जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अभी मैं जी एच लाहोटी सर द सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट बार इनके साथ हूँ उनकी 65 फाइव ईयर्स की एक्टिव प्रैक्टिस है ईज़ नाइन्टी और आज भी सर कोर्ट में जाते हैं आर्ग्यू करते हैं और यहाँ तक कि जैसे जालना कोर्ट थ्री स्टोरेड कोर्ट है तो सर आज भी चल के तीसरी मंजिल पे जाते हैं और दिन में कभी कभी दो दो अपील भी आर्ग्यू करते हैं तो सर से हमें जानना है कि उनकी जर्नी कैसे हुई कहाँ से शुरुआत हुई ये सब की। लाहौटी सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि आपने समय दिया और हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई आपका लॉ कॉलेज से आज तक आप हमें ज़रा बता दी जाइए देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैं एल एल बी पास किया नाइनटीन फिफ्टी सेवन में ओके तो एग्ज़ामिनेशन जो है 1956 फिफ्टी सिक्स के अंदर पास हुआ और उस वक्त हैदराबाद स्टेट जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया मराठवाड़ा पार्ट जो है बॉम्बे स्टेट में आया और बाकी आंध्र में गया कुछ कर्नाटक में गया इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए मुझे जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो रिकग्निशन बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट को नहीं था इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीडर एक्ट के तहत मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उसके बाद जो है एडवोकेट की सनत मिली और मैं जालना में प्योरली सिविल साइड के अंदर प्रैक्टिस किया और क्रिमिनल साइड में फूड अडल्ट्रेशन केसेस चलाया हुँ। और हुँ। उस वक्त की जो प्रैक्टिस थी उस वक्त जो मेरे सीनियर थे जो राजनीकर जिनको आबा साहेब बोलते हैं भीमराव देश पांडे राजनीकर उनके पास दो साल तक मैं जूनियरशिप किया अच्छा समझे नहीं क्या और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू किया मैंने और प्योरली सिविल साइट के अंदर प्रैक्टिस किया क्रिमिनल में सिर्फ फूड अल्ट्रेशन केसेस चलाया अच्छा और उस वक्त की प्रैक्टिस और आज के प्रैक्टिस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है देखिए उस वक्त जो है ज़्यादा डिटेल के अंदर ये होता नहीं था और शुरू शुरू के अंदर जो है जजमेंट्स वग़ैरह जो है कुछ उर्दू के अंदर कुछ इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता था एविडेंस भी और फिर बाद में जो है फिर प्योरली मराठी के अंदर और इंग्लिश में शुरू हुआ उर्दू लैंग्वेज बंद हो गए सर ये so, उर्दू में क्यों था वो हैदराबाद स्टेट की लैंग्वेज ही उर्दू थी अच्छा हाँ निज़ाम निज़ाम के ज़माने में उर्दू था और मेरे पूरी जो है मेट्रिकुलेशन उर्दू में ही हुआ okay. उर्दू लैंग्वेज के अंदर ही हुआ सब मेट्रिकलेन इसलिए उस वक्त जो है सो उर्दू ही चलता था हैदराबाद स्टेट के अंदर अच्छा सर हाँ। uh, आपने जब भी बार ज्वाइन किया हाँ तभी कितने वकील थे पहले शुरुआत में जानने में पच्चीस एक वकील थे अच्छा समझे नहीं किया फिर हल्लो हल्लो बढ़ते गए और पच्चीस एक वकील के अंदर जो है मोर देन फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट जो है मुस्लिम वकीली थे अच्छा हाँ क्योंकि उस वक्त जो है निज़ाम का रास्ता और मुसलमानों का रास्ता इसलिए मुस्लिम वकील थे हिंदू वकील जो है फोर्टी परसेंट के नियर अबाउट थे अच्छा आ, सर कोर्ट कहाँ था तभी कोर्ट कहाँ था कोर्ट का लोकेशन कहाँ था आपने प्रैक्टिस शुरू किया तुम्हें ये इधर पुराने जानने के अंदर इस वक्त जो है आ, वो लेबर कोर्ट है क्या वहाँ पे अभी नहीं अभी कौन सा कोर्ट है वहाँ पे मालूम नहीं तुम्हारा कदीम जालना पुलिस स्टेशन और जो ट्रेजरी ऑफिस है उसके पीछे कोर्ट था अच्छा वहाँ पे कोर्ट था वक्त अच्छा आ, और, और आपके इसमें फिर जैसे हम आज दावे दाखिल करते हैं आ, तो उस तरह उस टाइम पे कैसे दावे दाखिल होते थे वैसे, वैसे, वैसे सिस्टम में कोई फर्क नहीं था दावे वैसे ही दाखिल होते थे क्योंकि छप्पन के बाद जो है सो सिविल प्रोसीजर कोर्ट वगैरह जो आज है वही लागू हो गया उसके पहले जो है हैदराबाद है के सब लॉस थे और वो सब सिमिलर जो है यही को उन्होंने किए थे अच्छा आ, इसलिए कोई खास विशेष कोई फर्क नहीं था अच्छा सर और उस समय हाँ। केस डिस्पोज ऑफ होने का समय क्या हुआ करता था कि दावा कभी दाखिल किया और कितने समय में खत्म होता था वो? अब, 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 अब एक छः महीने मिनिमम और मैक्सिमम दो साल ये पीरियड के अंदर डिस्पोजल हो जाता था आज के जैसा बहुत प्रोलॉन्ग नहीं रहते थे नहीं। बहुत शॉर्ट में है एविडेंस भी बहुत शॉर्ट में नोट्स लिए जाते थे आर्ग्यूमेंट भी शॉर्ट में होते थे और जजमेंट भी बहुत शॉर्ट में लिखे जाते थे अच्छा <laughs> और वहाँ उस वक्त जैसे कोई एविडेंस वगैरह चलता था हाँ तो एविडेंस में भी क्या कभी कभी कोई विटनेस उर्दू वाला आता था हाँ उर्दू के अंदर हिंदी के अंदर मराठी के अंदर ऐसा तीनों भी लैंग्वेज के अंदर एविडेंस होता था अच्छा हाँ। और किस प्रकार के दावे थे उस वक्त अब फिफ्टी सेवन के करीब उस वक्त जो है जो दावे हैं आज जो है तुम्हारे व्यवहार के अंदर लेन देन के ज़्यादा दावे होते थे मनी सूट्स जिसको बोलते हैं वो सूट ज्यादा होते थे और थोड़े बहुत इंजेक्शन के सूट्स होते थे सिविल साइड के अंदर <laughs> तभी क्या रेंट के दावे होते थे रेंट के दावे कंट्रोल एक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट उस वक्त हैदराबाद रेंट कंट्रोल एक्ट था, तो तो था। लेकिन उसका जोरिडिक्शन सिविल कोर्ट को नहीं था अच्छा हाँ हैदराबाद रेंट कंट्रोल एक्ट के दावे जो है वो डिविजनल ऑफिस जो है सब डिविजनल डिप्यूटी कलेक्टर उनको पावर दिए थे अच्छा। इसलिए वहाँ पे केस चलते थे ओके 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 सिविल कोर्ट में केस नहीं चलते थे वो डिप्यूटी कलेक्टर को बोल के रेन कंट्रोलर बोल के उनका अपॉइंटमेंट रहता था और वो डिप्यूटी कलेक्टर जो है एज ए रेन कंट्रोलर वो केसेस चलाते थे हैदराबाद रेन कंट्रोल ओके आ, अभी आपकी इतनी बरस की प्रैक्टिस है हाँ। तो आपके जूनियर्स जो होंगे हाँ. उनमें से कोई जुडिशरी में गए होंगे उनके बारे में कुछ कहेंगे आप मेरे जूनियर में एक बाफना बोल के थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल के डिस्ट्रिक्ट जज बोल के रिटायर हुए हैं जालना में ही कहीं बाहर नहीं जाल डिस्ट्रिक्ट जज बोल के वो बहुत सी जगह हुए हैं लेकिन वो अब औरंगाबाद में सेटल हो गए अब रिटायरमेंट पे है सेटल हो गए हैं और जालने के अंदर एक जो है नासिरुद्दीन बोल के थे मेरे जूनियर फर्स्ट जूनियर था मेरा वो सिविल जज सीनियर डिटीजन बोल के रिटायर हो गए अच्छा हाँ। सर आपके टाइम पे आपको अगर अपील करना, हाँ। तो जा, करना हो तो फिर मतलब जालना कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर को अपील करना हो तो कहाँ जाना पड़ता था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और... कोर्ट औरंगाबाद था अच्छा हाँ जालने के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट औरंगाबाद था इसलिए हफ्ते में मैं है दो दिन औरंगाबाद प्रैक्टिस करता था जाता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील अच्छा। ये 1980 तक ऐसा चला फिर जालना डिस्ट्रिक्ट हो गया फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया फिर यहीं पे अपील शुरू हो ओके, ओके। और उस टाइम पे मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि बार और बेंच का रिलेशन हाँ तो आपके समय में ये बार और बेंच का रिलेशन कैसे था बार और बेंच के रिलेशन बहुत अच्छे थे उस वक्त जो है बार और बेंच के रिलेशन बहुत अच्छे थे और बिल्कुल हंसते हुए वगैरह कोई ऐसा कोई सीरियसली ऐसा कोई ये ज़्यादा ये नहीं चलता था और मेल जोल भी अच्छा बार के और बेंच का मेल जोल भी अच्छा रहता अच्छा और उस वक्त कोई सोशल फंक्शंस वगैरह होते थे आप बार में बहुत कम होते थे उस वक्त सोशल फंक्शन बहुत कम होता आज, आज के जैसा लगता नहीं था बहुत कम सोशल फंक्शन अच्छा ये और एक मुझे पूछना है कि अभी आपकी ये सिक्सटी फाइव ईयर्स की प्रैक्टिस है हाँ अब कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंस या केस आपके दिमाग में कोई रह गया हैगा हाँ। कि कोई कोई रह जाता है इतनी लंबी बड़ी प्रैक्टिस में हाँ। तो उसका कोई एक अच्छा सा एक किस्सा अगर आप सुनाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा एक शॉर्ट में किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि एक दफ़ा कोर्ट के अंदर एक क्लाइंट जज के सामने खड़े रहा और वो बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे को पैरवी करने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है कोई वकील लगा नहीं सकता तो जज ने उनको बोला कि तुम बाहर में जाओ कोई छोटा मोटा वकील देखो पाँच पच्चीस रुपये ले दे के वो पर्वी करेंगे ऐसा उनको बोले वो बाहर में गया और वो जज का बोले कि भाई वो ऐसा ऐसा बोले तो वहाँ जो वकील थे उन्होंने उनको बोले कि पच्चीस पचास रुपए लेने वाले जितने वकील थे बोले वो सब जजेस हो गए बोले <laughs> अब यहाँ पे दो सौ रुपये से कम में कोई लेने वाला नहीं है तुम जाके जज को बोलोग <laughs> जज को जाके बोले तो सब हंसने लग गए थे <laughs> और उस समय बार में क्या इलेक्शंस वगैरह होते थे हाँ होते थे इलेक्शन लेकिन आज के जैसा वैसा नहीं होते थे हाँ हाथ उठा के इलेक्शन हो जाते थे ए एन वर्क के ऊपर अच्छा ये करके हाथ उठाते थे, थे वोटिंग होते थे आज आज के जैसा जो है बैलेट पेपर वगैरह नहीं वैसा कुछ नहीं था वैसा कुछ था अच्छा अभी सर ये इतनी बड़ी आपकी प्रैक्टिस हो गई है एक पैंसठ बरस में क्या आपको एक मेजर डिफरेंस कोई लग रहा है प्रैक्टिस में आया हुआ है या हमारे प्रोफेशन में आया है फंक्शनिंग में आया है ऐसा कोई एक मेजर डिफरेंस आपको लग रहा है अलग हो रहा है कुछ प्रोफेशन मेजर डिफरेंस बोले तो यह है कि कानून की जो बारीकियाँ है पिछले ज़माने में कोई इतने डिटेल्स में कानून की बारीकियाँ नहीं जाते थे। जाती थी आज जो है इस लॉ पॉइंट जो है कानून के पॉइंट उस पर और केस लॉस पे ज़्यादा डिस्कशन होता है उस जमाने में केस लॉस बहुत कम होते थे रिपोर्टर डक्न लॉ रिपोर्टर बोल के उर्दू में छपता था इसलिए उस वक्त ज़्यादा केस लॉज वगैरह लीगल पॉइंट्स ज़्यादा नहीं होता था फैक्चुअल पॉइंट्स पे एविडेंस पे ही ज़्यादा केसेस डिसाइड होते थे और आज जो है लीगल पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा केस लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स वगैरह उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कुछ नहीं इसलिए आज वो इतना ही फर्क है बाकी तो प्रैक्टिस में वैसे ही प्रोसीजर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है अच्छा और सर आप लीगल किताबें वगैरह कहाँ से करीते थे, थे उस वक्त किताबें तो लॉ बुक सेलर आते थे उनसे उनसे किताबें मिलते थे लॉ बुक सेलर आते थे उनसे किताबें मिलते थे कहाँ से आते थे वो लॉ बुक सेलर मतलब बॉम्बे से नासिक से पूना से नागपुर से ऐसे लॉ बुक सेलर आते थे उनसे किताबें मिलते थे अच्छा एक सवाल और पूछूंगा आपको कंक्लूड करने के पहले कि आप क्या संदेश देंगे जो पीढ़ी अभी लॉ कॉलेज में है हाँ। जो हमारे नए वकील भाई हैं हाँ। कि क्या आप उनको संदेश देंगे कि किस तरह से एक आदमी काम करना चाहिए बिकॉज आप एक लिविंग एग्जाम्पल हो सिक्सटी फाइव ईयर्स की प्रैक्टिस का हाँ। संदेश तो जूनियर्स <laughs> के लिए मेरा यही संदेश है कि उन्होंने लॉस की स्टडी करना डीपली और केस लॉज अप टू तो डेट देख कर फिर केसेस चलाना <laughs> के केसेस नहीं तो आए अपना चला लिए वो कोई नहीं है पूरी लॉ की स्टडी करना जब भी कोई केस आया है तो पूरी लॉ की स्टडी करना पॉइंट्स क्या इन्वॉल्व हुए हैं वो करके वो केसेस चलाना और जो है एविडेंस जो है रिकॉर्ड करते वक्त कर, उसकी पूरी तैयारी से एविडेंस उसको गवाहदारों को समझा के बयानत कराना अच्छा हाँ कि नहीं है तैयारी नहीं किया है तो वहाँ गवाहदार जो है साक्षीदार कुछ भी बयान देते हैं फिर गवाह में जो है उनका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में वो टिक नहीं पाते हैं और वो केस का जो है फेट खराब हो जाता है इसलिए उन्होंने सब स्टडी करके केस चलाना चाहिए ऐसा मेरा जी मान तो लाहौटी सर हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपने हमें समय दिया इतनी सीनियोरिटी होने के बावजूद और काफी सारी अच्छी बातें सुनाई काफी सारे चीजें पता चली हमको एक चीज खाली रह गई पूछने की वो ये थी कि जो लॉ कॉलेज आपने किया हाँ, तो उसका टेन्य कितना था दो बरस तीन बरस क्या था टेन्य दो, दो साल का टेन्य अच्छा दो साल का हाँ, दो, दो साल का आफ्टर ग्रेजुएशन दो साल का लॉ का डिग्री था अच्छा और इंटर्नशिप वगैरह कुछ करना पड़ता था नहीं नहीं उसमें कोई इंटर्नशिप अच्छा दो साल का ही लाउटी सर हाँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू